हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, साथ ही इसकी यहाँ पर जो आपकी सलेक्शन प्रोसेस क्या होनी है, एज कैटेगरिया क्या होने वाली है, साथ ही यहाँ पर आपकी जो है पोस्टिंग कहाँ की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कह जाते हैं, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि यह जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जो आप सभी के लिए पोस्ट की निकाली गई है, उसमें सिर्फ ओ मैन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट इसके अंदर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में तो आप देख सकते हैं, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो। मैंने दोस्तों वीडियो के शुरुआत में यही बता दिया कि अगर सिर्फ इसमें फीमेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, ना कि कोई मेल कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको पूरी जो बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन के रिक्रूटमेंट है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नए एक इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों उस इंटरफेस के माध्यम से आपको हम अब नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट निकाली गई है वो वहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसके अंतर्गत यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पर यह पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर पहले सेक्शन में यह आपको बताया जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ फीमेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, ना कि कोई मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर 100 पोस्ट निकाली गई है। साथ ही जो आपकी ऑनलाइन ओपनिंग डेट और लास्ट डेट बताई जा रही है वो 6 जून 2021 से लेके 20 जुलाई 2021 तक अप्लाई की जाएगी, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी एडमिट कार्ड रैली के लिए आएगी, उसके अंदर यहाँ पर जो आपकी एडमिट कार्ड है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आकर आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के शर्त में दिया है, उसी पर आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगी और उसी से आप जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की और कोई दूसरी प्रोसेस नहीं रहेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर जो सेलेक्ट किए जाएंगे रैली के लिए, यहाँ पर इन जगहों पर इन्हें जो है रैली के लिए जाना होगा, जहाँ पर जो एडमिट कार्ड के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट है वो बताई जा रही है। यहाँ पर एज को दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, 17 साल के कैंडिडेट से लेकर 21 साल तक के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनका जन्म यानी कि 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 तक हुआ है, जो एक अक्टूबर 2000 और 1 अप्रैल 2004 तक जिनका जन्म हुआ है, वही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपसे फिज़िकल के लिए हाइट मांगी गई है वो यहाँ पर 152 cm मांगी गई है, और साथ ही जो आपकी हाइट के अनुसार आपकी यहाँ पर जो है वेट होनी चाहिए। साथ ही आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। 10th के अंदर कम से कम आपको 45% रहना चाहिए, जिसमें कि हर एक विषय के अंदर यहाँ पर आपको 33% रहना चाहिए। अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से हैं तो यहाँ पर आपको 33 से लेकर 40% पे भी ले लिया जाएगा। अगर यहाँ पर ऑल गोरखा से हैं तो यानी कि दोस्तों सिर्फ आप यहाँ पर जो है 10th पास रहेंगे, कितनी भी परसेंटेज है सिर्फ 33% से आपको ऊपर रहना चाहिए, तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रैली के लिए किस बेसिस पे कैंडिडेट को सेलेक्टेड किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला तो जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, वो लिमिटेड कैंडिडेट के लिए होगा, जो उनके कटअप यानी कि जो 10th के बेसिस पर जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे उसी के बेसिस पर यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसी के अंदर अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट जो भेजेंगे, जिसके मार्क्स पर अगर एक ही तरह के मार्क्स काफ़ी सारे कैंडिडेट के रहते हैं, एक ही नंबर एक ही परसेंटेज यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर उन कैंडिडेटों के अगर सेम मार्क्स रहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जिन कैंडिडेटों की यहाँ पर हाइट और एज ज़्यादा रहेगी उन्हीं को इसके अंदर प्रेफरेंस मिलेगी।
मिलेगा, अदर वालों को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपकी हाइट जो है एवरेज उन कैंडिडेट से रहती है तो उनको यहाँ पर पूरे तरह से प्रीफ्रेंस मिल जाएगा और उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, रैली के लिए बुलाया जाएगा और बाकी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर जो है सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होने वाली है, यहाँ पर जो आपकी रनिंग होने वाली है, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर होने वाली है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर ग्रुप वन में और ग्रुप टू में यहाँ पर 8 मिनट में आपको पार करनी है। यहाँ पर जो आपकी लॉन्ग जंप है वो 10 फीट रहनी चाहिए और हाई जंप जो है यहाँ पर आपकी जो है 3 फुट होनी चाहिए। यहाँ पर रिमार्क एक चीज़ जान लीजिए, अगर जो कैंडिडेट यहाँ पर अगर हील, यानी कि जो कैंडिडेट जो हील पर रहते हैं यानी कि जो पहाड़ियों पर रहते हैं, उन कैंडिडेट के लिए यानी कि जैसे एक कह सकते हैं कि जो ज़मीन के सतह से यहाँ पर जो हीलिंग पे जो रहता है उसके अंदर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए रनिंग तो सेम है, पर यहाँ पर दोस्तों उनको टाइम मिलेगा। यानी कि अगर जो आपकी ज़मीन के स्तर से अगर हिल पर रहते हैं तो यहाँ पर हिली पर रहते हैं तो आपको 5000 फीट से अगर 9000 फीट ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड का ज़्यादा टाइम मिलेगा, और साथ ही अगर 9000 फीट से लेकर 12000 फीट है तो यहाँ पर आपको 120 सेकंड प्रीफ्रेंस के रूप में यहाँ पर और मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपको हाइट और यहाँ पर वेट में यहाँ पर प्रीफ्रेंस मिलेगा। अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ की डॉटर ऑफ सर्विसमैन है या डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो इसके अंदर आपको हाइट और वेट में यहाँ पर दोनों में यहाँ पर जो है प्रीफ्रेंस मिलेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आप हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर हाइट में 2 CMS और वेट में यहाँ पर 2 kg का आपको यहाँ पर छूट मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि अगली जो आपकी की जाएगी, फिर यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की जाएगी जिसमें कि आपकी फ़िटनेस की जो है पूरी बताई जाएगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों फिर आपकी रैली के बाद यहाँ पर जो आपकी रिटन टेस्ट होगी, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, जिसके अंदर आपको जो है एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, अपने अपने लोकेशन पर आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है कि इसके बारे में यहाँ पर आपको बोनस अंक भी दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर 20 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं कि आपको यहाँ पर छूट मिले। अगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, अगर NCC A किया है तो 5, अगर NCC B सर्टिफिकेट है तो 10, या आपने NCC C किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जो CEE एग्ज़ाम है यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर आपको देना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही सेलेक्ट किए जाओगे, उसमें आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रीफ्रेंस था, अगर आपने यह किया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्टेड होने के 100% चांस है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी प्रीफ्रेंस भी मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स कैसे फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाने हैं, वो सब आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी अपडेट थी मैंने आपको होपफुली दे दिया। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।